सीधे आपको चुआना कलाम विधानसभा लिए चलेंगे, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे, क्या कुछ सुनाते हैं आपको। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, 8 तारीख के बाद जो हमारे 70 साल से ऊपर के माता और बुजुर्ग हैं, भाइयों, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, इलाज की परिवार को चिंता नहीं, इलाज की उस बुजुर्ग की चिंता अगर किसी को है, नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह और आपके देवेंद्र अत्री को चिंता है, किसी और को चिंता नहीं है। मैंने कहा हुड्डा साहब, आप कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, मखा आपके लिए भी हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान बना दिया है, आपको भी कोई चिंता नहीं है, आप भी अपना इलाज करा सकते हैं। भाइयों, हमने और भी बहुत सारे निर्णय किए हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख नए मकान बना करके देने का काम हमारी सरकार करेगी, ये भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, हमने उसके अंदर भी सुधार किया है। हुड्डा साहब, जो 100-100 गज के प्लाट भाइयों रेवड़ी बांट करके चले गए थे, किसी को ना प्लाट दिया, ना कागज दिया, ना कब्जा मिला, हमने सभी को 100 गज का प्लाट दे करके कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने आगे भी, मैंने उसी दिन ही अधिकारियों को कहा कि आप इसका रजिस्ट्रेशन खोलिए, अगर कोई व्यक्ति छूटा है, 8 तारीख के बाद 100 गज का प्लाट, कागज और कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया कि 5 तारीख के बाद 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का भी काम करेंगे। अरे ये कांग्रेस के लोग ये युवाओं के विरोधी हैं। मैंने जब से जिम्मेवारी ली, मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, मैंने 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया, आचार संहिता लग गई, 25,000 बच्चों के रिजल्ट तैयार थे, मैं रिजल्ट निकालने लगा। ये कांग्रेस के लोग, ये हुड्डा के लोग, भर्ती रोको गैंग के लोग, ये कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे पेश हो गए, कहा जी हरियाणा सरकार बच्चों के रिजल्ट निकाल रही है, उनको रोका जाए। और चीफ इलेक्शन ने लेटर निकाल दिया कि जब तक आचार संहिता है आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मैंने प्रेस में बोला, मैंने कहा हुड्डा साहब आप कब तक रोकेंगे, 8 तारीख के बाद मैंने कहा 25,000 बच्चों को पहले ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, उसके बाद सब चलूंगा। भाइयों, ये मैंने हुड्डा साहब को कहा है, आप रोक नहीं पाएंगे। आज ये भाइयों हरियाणा प्रदेश का ये मूड बढ़ गया है, 8 तारीख का इंतजार है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे, एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर बन रही है। भाइयों, मैं उचाणा कला के सरदारी को एक बात कहने के लिए आया हूं, 5 तारीख को लल्ले पुआ दो कांग्रेस नो, मैं पहली बार देख रहा हूं, मैं उचाणा के अंदर ये पहली बार देख रहा हूं। भाइयों, जो उत्साह जो जोश आज उचाणा की सरदारी के अंदर है, उचाणा के लोग इंतजार कर रहे हैं। हुड्डा साहब, आप कह रहे हैं ना कोई काम नहीं हुआ, ये तो ट्रेलर है, आप आकर के देखिए, 8 तारीख के बाद पूरी पिक्चर दिखाने का काम करेंगे।
पिक्चर दिखाएंगे। अरे आप लोगों ने हर वर्ग का शोषण किया है, हर वर्ग का शोषण कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों 8 तारीख को एकजुट होकर के एक एक बूथ के ऊपर खड़े होकर के भाई किसी की चिंता नहीं करनी। अगर कोई एक आंख दिखाए तो हम दो दिखाई दियो, कोई टेंशन ना लियो। हमारे पास पूरा सिस्टम है, वो आजकल बौखला गया है। इधर उधर की बात लग के कर्ण इन जब